खबर पाडुना से। नगरपालिका चुनाव पाडुना आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 27 तारीख को मतदान होना है। सभी पार्टियों की प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव प्रचार के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने बाइक रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पाडुना पहुंचे और उन्होंने पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मतदाताओं से वोट की अपील की। जिस समय वह भाषण दे रहे थे, पास ही मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने 1 मिनट के लिए अपना भाषण रोक दिया। अजान पूरे होने के बाद उन्होंने आगे का भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जी भर के कोसा और कमाठी डैम ना बनाने का ठीकरा भी पूर्व मुख्यमंत्री पर फोड़ा। उनके साथ स्टेज पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल, पूर्व विधायक मरोत राव खफसे, जिला अध्यक्ष बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना महोड़े और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में खड़े अभ्यर्थी नजर आए। उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी मिनट तक अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अभी मैं देख रहा था कि चर्चा चल रही पार्टी की सरकार। मैं चुनावी सभा में आपको आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और इसलिए मित्रों, आज मैं आपको आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों का तो चरित्र ही नहीं है। इस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इतिहास के 75 वर्षों के उनके सम्मान में हमने रुक जाते हैं। भगवान बचाएगा तो ठीक है, नहीं तो आदमी चला जाता है, आदमी का जीवन चला जाता था। लेकिन मित्रों, गरीबी किसने देखी? जिसने गरीबी देखी हो, गरीब को देखा हो, गांव देखा हो, धूप देखी हो, धूल देखी हो, तो समझ में आए कि गरीब का दर्द क्या होता है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री गरीब का नेता बनता है तो वो तय करता है कि पैसे के अभाव के कारण इस देश के अंदर कोई गरीब विकास से वंचित नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों, और गर्व से कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय करके अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो किसी साहूकार की तरफ नहीं देखेगा, उसकी जेब में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का आयुष्मान भारत का कार्ड हाथ में होगा। वो जाएगा और डॉक्टर से इलाज करा के अपने जीवन को बचाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबी हटाने का मात्र नारा नहीं देती, गरीबों का जीवन बदलना चाहती। संयोजना में मुझे अंतिम समय में चारों धाम की यात्रा करती, लाडली लक्ष्मी बेटियां 43। खबर भारतवर्ष के लिए पाडुना से प्रशांत माहुरकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।